हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। ओके, हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में, चैप्टर थर्ड है जो। ओके स्टूडेंट, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ओके, आज कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं उनसे अलग कुछ उसी प्रकार के उनसे अलग कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हमारा क्वेश्चन है, जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है जी ए एम ए, इसका जो कोडिंग दे रखा है, कोडवर्ड दे रखा है वो 7-1-1-3-1 ये दे रखा है। ओके, हाउ विल आर्म्स बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज? आर्म्स को कैसे लिखा जाएगा इसी कोड लैंग्वेज में? ओके, अगर हमने कोई कोड लैंग्वेज यूज किया है तो उसके लिए हमने ये देखा है इसी कोड लैंग्वेज का यूज करते हो ये कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें और इसमें क्या कोड वर्ड यूज किए गए हैं, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। ओके, देखिए जी से उन पे होता है तो 7 लिखा गया है, A1 पे होता है 1 लिखा गया है, हम 13 पे होता है 13 लिखा गया है और A1 पे तो जो अल्फाबेट लिखे गए हैं उनके नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं, अल्फाबेट नंबर आगे लिखे गए हैं। तो A1 पे होता है 1 लिख देंगे हम, R18 पे होता है 18 लिख देंगे। ओके, हम 13 पे होता है 13 लिख देंगे और S19 पे होता है 19 लिख देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कोड वर्ड जो अल्फाबेट नंबर लिखे गए थे, ये अल्फाबेट है ये इनके नंबर है, एज इट इज नंबर लिखे गए थे इनके, तो हमने यहाँ पे भी जो अल्फाबेट है उनके नंबर लिख दिए। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें दे दिया क्वेश्चन में C=3, पुलिस =79, यहाँ पे बताना है पॉइंटर। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, अब इसके लिए आपको ये तो है नहीं कि इनके नंबरिंग लिख रखी है, यहाँ पे सी किस नंबर पे आता है, 3 पे आता है तो 3 लिख दिया, ठीक है। अब पी 16 पे आता है तो इन नंबरों का क्या, यहाँ तो या तो इन नंबरों का सम हो सकता है सभी का। ओके, इसके लिए आपको नंबर जो अल्फाबेट नंबर है वो लगन होने चाहिए, तो यहाँ पे पी 16 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है, आई 9 पे आता है, एस 19 पे आता है, एच 8 पे आता है। अगर इन नंबर का एड 79 आ जाता है, तो हम इन नंबरों का एड करके भी यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनका एड करते हैं, 16 और 15 31, 31 और 12 43, 43 और 9 52, 52 और 19 71, 71 और 8, इन सभी नंबरों का ऐड आ रहा है 79 आ रहा है, सभी नंबरों को यहाँ पे प्लस किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे भी इन सभी नंबरों को प्लस कर देंगे, जो अल्फाबेट दिए हैं अल्फाबेट तो प्लस कर नहीं सकते हम, अल्फाबेट के नंबर लिखेंगे, अल्फाबेट के नंबर लिखने के बाद उनको हम प्लस कर देंगे। तो पी 16 पे होता है, ओ 15 पे होता है, आई 9 पे होता है, एन 14 पे होता है, टी 20 पे होता है, ई 5 पे होता है और आर 18 पे होता है। पी 16 पे, ओ 15 पे, आई 9 पे होता है, एन 14 पे होता है, टी 20 पे होता है, ई 5 पे और आर 18 पे,
इन नंबरों का जो एड आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली थ्री था, सी थ्री पे होता है तो यहाँ पे थ्री आ गया। यहाँ पे इस नंबर का जो एड आया वो यहाँ पे लिख रखा है, तो इसी प्रकार इस नंबर का जो एड आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 16 और 15, 31 और 9, 40 और 14, 54, 54 और 20, 74, 74 और 5, 79, 79 और 18 यहाँ पे हो जाएगा 79 और 18, 7, 7 और 8 और 1, 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 97। ओके स्टूडेंट, कितना आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा 97, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 97। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आ जाए ए बी ए 11 आ जाए, 1 एफ आई 13 आ जाए, बी बी ई क्या आएगा? अब देखिए ए बी ए क्वेश्चन आ गया, ए 1 पे होता है, बी 2 पे, 1 पे, इसको क्या लिखा गया है? 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। उसी प्रकार आई एफ 6 पे और आई 9 पे, सॉरी 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार बी 2 पे आता है, बी 2 पे आता है और ई 5 पे, 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। क्या कोड वर्डिंग यूज कर रखी है? कि जो अल्फाबेट नंबर है वो आगे वाले के स्क्वायर है। ओके, जैसे 121 11 का स्क्वायर हो गया, 169 13 का स्क्वायर हो गया, 225 15 का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन 62 ट्रेन को 62 लिखा जाता है, तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो ट्रेन के अगर इन अल्फाबेट को ऐड करते हैं तो 62 आ रहा है या नहीं। अगर ट्रेन का अल्फाबेट को ऐड करने के बाद 62 आ रहा है तो हम स्कूटर के अल्फाबेट ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे। तो ट्रेन के अल्फाबेट देखेंगे, टी 20 पे, आर 18 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, 20 और 18 38, 1 39, 39 और 9 48, 48 और 12, इन सभी को ऐड करते हैं तो 62 आ रहा है। ओके, इसी प्रकार हम इन सभी को ऐड करेंगे, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे 19 पे, सी आ जाएगा 3 पे, ओ 15 पे होता है, टी 20 पे होता है, ई 5 पे होता है और आर 18 पे होता है। ओके, आपको ये लर्न होने चाहिए नंबर लर्न होंगे तो आप जल्दी से इनको लिख सकते हो, अदरवाइज आपको नंबर देखने पड़ेंगे कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा है। तो 19 और 3 22 और 15 और 15 30, 22 और 30 हो गए यहाँ पे 52 और 20 72 और 5 77 और 18 को ऐड करेंगे तो 8 और 7 5
15 वन का रही 7 ओवर 8 ओवर 9 क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। इस प्रकार के कैसे इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सोबर को लिखा जाता है यहाँ पे RNADQ। तो हाउ लोटस कैन बी रिटन इन द कोड, लोटस को कैसे लिखा जाएगा LOTUS, लोटस को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए वैसे ही आप पहले इनके नंबर लिख लो अच्छी तरह से, S19 पे होता है, O15 पे होता है, B2 पे होता है, E5 पे होता है और R18 पे होता है। यहाँ से नंबर लिख लो आप R18 पे, N14 पे, A1 पे, D4 पे, Q17 पे। ओके अब नंबर लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या कोडिंग कर रखी है, क्या प्लस कर रखा है, क्या माइनस कर रखा है, क्या मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, माइनस 1 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 14, यहाँ पे माइनस 1, 2, 1, माइनस 1, 5, 4, माइनस 1, 18 और 17 सभी में क्या कर रखा है यहाँ पे माइनस 1 कर रखा है। ओके स्टूडेंट यहाँ से भी माइनस 1 करेंगे हम, L12 पे होता है, O15 पे होता है, T20 पे होता है, U21 पे होता है और S19 पे होता है। सभी के 1 माइनस किया गया है तो यहाँ पे भी हम 1 माइनस कर देंगे। तो 12 में से माइनस 1 करेंगे 11, 15 में से करेंगे 14, 20 में से करेंगे 19, 21 में से करेंगे 20 और 19 में से करेंगे 18। ओके स्टूडेंट अब आपको ये पता होना चाहिए कि 11 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, क्या आता है, 14 पे एन आता है, 19 पे एस आता है, 20 पे टी आता है और 18 पे आर आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा KNSTR। तो ओके स्टूडेंट तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ओके नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, YCVGT उसी प्रकार HKTG। ओके अब ये देखिए आप कौन कौन से नंबर पे आते हैं, जो W होता है 23 पे होता है, A1 पे होता है, T20 पे होता है, A5 R18। ओके यहाँ पे Y25 पे होता है, C3 पे होता है, V22 पे होता है, G7 पे होता है, T20 पे होता है। अब आपको पहले नंबर लिखने के बाद आपको इनका लॉजिक देख लेना है, इनमें कोडिंग देख लेनी है कि क्या कोड वर्ड लिखे गए हैं यहाँ पे। 23 25 + 2 है, 13 + 2 है, 20 22 + 2 है, 57 + 2 है, 18 20 यहाँ पे भी प्लस 2 किया गया है। ओके तो यहाँ पे H होता है 8 पे, K 11 पे, T 20 पे और G 7 पे। तो इनमें प्लस 2 करेंगे तो 8 और 2 10, 11 और 2 13, 20 और 2 22, 7 और 2 9।
ओके अब आपको ये पता होना चाहिए कि 10, 13, 22, 9 पे कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं। जैसे 10 पे आता है जे, 13 पे आता है एम, 22 पे आता है वी और 9 पे आता है आई। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इन ए सर्टेन कोड, सर्टेन इज कोडेड एज सर्टेन को लिखा गया है यहाँ पे XVIG ZRM। इसी प्रकार स्क्वेंस को लिखा गया है SEQUENCE, स्क्वेंस को लिखा गया है HVJF VMXV। ओके और यहाँ पे पूछा हाउ वुड रिक्वायर्ड बी कोडेड REQUIRED रिक्वायर्ड को क्या लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इसका कोडवर्ड ये दे रखा है, इसका कोडवर्ड ये दे रखा है, तो इसका कोडवर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो इसका कोडवर्ड क्या आएगा तो ये देखना हमें। तो इसके लिए हम देखिए अब हमें सी का पता होना चाहिए। सी पे सी को 3 को होता है, यहाँ पे इनके कोडवर्ड लिख सकते हैं। ये आपको लिखने हर बार नहीं लिखने, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हर बार लिखोगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सोल्व करते टाइम आप अपना नोटबुक में सोल्व करते कुछ टाइम अपना लिखना जरूर है, क्योंकि आपको ये इससे ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सी पे C3 पे होता है, E5 पे, R18 पे, T20 पे, A1 पे, I9 पे, N14 पे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे X होता है 24 पे, V होता है 22 पे, I होता है 9 पे, G7 पे, Z26 पे, R18 पे और M13 पे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से आपको देखने हैं कि क्या यहाँ पे कोडवर्ड यूज हो रहे हैं। यहाँ पे इस नंबर को कोडवर्ड में ये लिखा गया है। ओके स्टूडेंट, इस नंबर को कोडवर्ड में ये लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप 324। अगर आपको लर्न हो कि सी का अपोजिट होता है वो एक्स होता है, अपोजिट क्या होगा इनका, अगर सी को सी थ्री को होता है, अगर 3 को 27 में से माइनस करते हैं तो 24 X24 पे होता है। E का अपोजिट V होता है, E 5 पे होता है, 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22, तो V 22 पे होता है। ये जो यहाँ पे अल्फाबेट लिखे गए हैं उन सभी के अपोजिट यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके स्टूडेंट, क्या लिखे गए यहाँ पे, उनके अपोजिट लिखे गए हैं। तो इसमें तो ये कोडिंग यूज हो रही है। अब ये देखेंगे कि यही कोडवर्ड जो इसमें यूज हुआ है वो इसमें भी यूज हो रहा है क्या। अगर दोनों में यूज हो रहा है तो हम तीसरे में भी यही यूज कर लेंगे। ओके, तो इसका देखते हैं। S19 पे होता है, E5 पे होता है, Q17 पे होता है, U21 पे होता है, E5 पे होता है, N14, C3, E5 पे होता है।
ओके अब देखिए यहाँ पे एच 8 पे होता है, वी 22 पे होता है, जे 10 पे, एफ 6 पे, वी 22 पे, एम 13 पे, एक्स 24 पे और वी 22 पे। ओके अब देखिए 19 और 8 27 अपोजिट है। अपोजिट क्या होते हैं, अगर उन दोनों का एड 27 आ रहा है, दोनों का एड 27 आ रहा है तो वो अपोजिट है। अपोजिट का कैसे पता लगाएंगे हम, L12 होता है। अगर हम इसका अपोजिट निकालें तो इसको 27 में से माइनस कर देंगे, 27 माइनस 12 15, 15 पे होता है O, तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, J 10 पे होता है, अगर इसका अपोजिट निकालें तो J को जो 10 है उसको किस में से माइनस कर देंगे, 27 में से, 27 में से 10 माइनस करेंगे 17, तो J का जो 17 पे होता है Q, तो J का अपोजिट होगा वो क्यों होगा। ओके स्टूडेंट, टी 20 पे होता है, 27 में से 20 माइनस करेंगे 7, 7 पे होता है G, तो 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इनका अपोजिट का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इनका देखिए, अब ये भी इनका अपोजिट आ रहा है, 3 का 24 है, 5 का 22 है, इसी प्रकार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, R 18 पे होता है, E 5 पे होता है, Q 17 पे होता है, U 21 पे होता है, I 9 पे होता है, R 18 पे होता है, E 5 पे होता है, D 4 पे होता है। अब देखिए 18, अब इनका अपोजिट निकालना हमें, तो अपोजिट निकालने के लिए हम 27 में से माइनस करते हैं, अगर 27 में से 18 माइनस करते हैं तो क्या जाएगा, 9, 27 में से 5 माइनस करते हैं तो 22, 27 में से 17 माइनस करते हैं 10, 27 में से 21 माइनस करते हैं 6, 27 में से 9 माइनस करते हैं 18, 27 में से 18 माइनस करते हैं 9, 27 में से 5 माइनस करते हैं 22, 27 में से 4 माइनस करते हैं तो 23। ये इनके अपोजिट आ गए, ये नंबर इनके अपोजिट आ गए। अब हम यहाँ पे इनके अपोजिट नंबर है इनके अल्फाबेट लिख लेंगे, आई 9 पे क्या होता है, आई होता है, 22 पे वी होता है, 10 पे जे होता है, 6 पे एफ होता है, 18 पे आर होता है, 9 पे आई होता है, 22 पे वी होता है, 23 पे W होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने की आपकी प्रैक्टिस कर लेते हो आप बहुत ज्यादा, तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, जिस टाइम आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये इसके अपोजिट दे रखे हैं, यहाँ पे भी अपोजिट दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि आर का अपोजिट आई होता है, 18 में से 27 में से 18 माइनस करेंगे 9, 9 पे आई होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 27 में से 5 माइनस करेंगे 22, 22 पे वी होता है, 27 में से 17 माइनस करेंगे 10, 10 पे जे होता है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट अपने आंसर लिख सकते हो। ओके, लेकिन ये कब होगा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आपको सोल्व करने हैं, बिल्कुल आसान है। आपको आप एक बार ये देख लीजिए कि इनके जो कोडिंग दे रखी है वो किस बेस पे है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में आपके लिए आज इतना ही, एक क्लास और करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग को, एक क्लास में और इसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।